पूरे देश ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की तानाशाही और गुंडागर्दी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ा गया। अगर आप नतीजे देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, पिछली बार से 63 सीटें कम मिली है और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत भी नहीं आ पाई। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को आप देखेंगे कि इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद, जहां कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कई लोगों के ऊपर रेड कराई गई, सारी एजेंसियों को अपने कब्जे में करने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश की जनता कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई खिलवाड़ करे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो ये चुनाव हम डे वन से ये कह रहे थे कि हम इम्पॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है, देश इम्पॉर्टेंट है। हम इसी भावना के साथ गठबंधन में भी आए और गठबंधन में रहते हुए भी अपनी जी जान लगा दी कि गठबंधन जीते। जहां जहां हमारी जितनी क्षमता थी हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और खूब मेहनत करी। मैं अगर आपको कहूं कि आम आदमी पार्टी को इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनौती दी थी कि इस चुनाव के पहले पहले आपकी पार्टी तोड़ देंगे, आपको खत्म कर देंगे। इन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाला, हमारे सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को जेल में रखा, हमारे वॉलंटियरों को धमकाया, एमएलए को खरीदने की कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए। इन सारे षड्यंत्रों का नतीजा एक ही निकला कि जनता ने उन्हें नकार दिया और आम आदमी पार्टी आज एकजुट है। पूरी तरीके से हमने फाइट किया और हमारे 3 सांसद पंजाब से जीत कर आए, 2 से 3 सीटों पर हम काफी क्लोज कॉन्टेस्ट में रह गए। अगर आप देखेंगे इसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी आज मजबूत है, पूरी तरीके से मजबूत है और संघर्ष के लिए तैयार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।